अगर आपके पास Redmi, Xiaomi या Poco का डिवाइस है और आप एक्साइटेड है HyperOS 2.0 का नया अपडेट को लेके कि क्या आपको नया फीचर्स और चेंजेस देखने मिलने वाला, तो मेरे पास और कुछ नया लीक्स है जो कि आपको देखना चाहिए। और पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून्ड रहो और चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये आपको कुछ नया एनिमेशन देखने मिलता है आपका होम स्क्रीन से नया ऐप वॉल्ट में। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था तो आप बोल सकते हैं कि फाइनली आपको कुछ नया एनिमेशन आप जो देखने मिलने वाला ऐप वॉल्ट में। पहले काफ़ी कम मतलब एकदम ना के बराबर एनिमेशन आपको होम स्क्रीन से जो ऐप वॉल्ट में देखने मिलता था, अभी आपका नया अपडेट के बाद जो है HyperOS 2.0 में ऐड होने वाला है काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनिमेशन देखने मिल रहा है। और सेकंड है, अब नी होम अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपको अब रीअरेंज डिवाइस देखने मिले जो कि पहले नहीं था, अभी आप रीअरेंज कर सकते डिवाइस कार्ड को। पहले ऐसा कुछ इतना अच्छा ऐप का यूआई नहीं था, अभी आपको कुछ ज़्यादा अच्छा जो है कार्ड लाइक यूआई और कंप्लीट जो लुक है रिवैम्प किया गया। तो अगर आपको चाहिए तो इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आप उसको अपडेट करके यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको बाकी और भी चेंजेस देखने मिलता है। तो हाँ, डेफिनेटली अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था तो इस ऐप का ऑब्वियसली लिंक मिल जाएगा और यूआई भी चेंज कर दिया गया, आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये सब आपको ऑप्शन देखने मिलेगा। मैं पर्सनली ये ऐप यूज़ नहीं करता, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ डिवाइस नहीं है जिसको मैं कनेक्ट करूँ, एक कैमरा है बट उसको मैं ऐसे यूज़ नहीं करता, मतलब बस ऐसे ही लगा हुआ काम हो जाता है। तो हाँ, बट ओवरऑल ऐप अच्छा है, शायद मैं यूज़ कर लूँ, तो देखते हैं। तो ओवरऑल ऐप मेरे को अच्छा लगा, यूआई बहुत ज़्यादा चेंज किया गया, इससे पहले भी मैं ऐप को यूज़ किया हूँ बट यूज़र नहीं हूँ। तो हाँ, नया अपडेट चेंज किया गया है। और ये आपका थर्ड ऐप है जो कि वेदर है। अब वेदर में एकदम रियलिस्टिक जो इफेक्ट दिया जाएगा बारिश और वेदर्स के हिसाब से, देखते हैं कैसा होता है जो ऑफिशियली अपडेट आएगा। बट हाँ, स्क्रीन शॉट आप देख सकते हैं, एकदम पानी लग रहा है बाहर ही निकल जा रहा है, स्क्रीन में ही छिटा हुआ, ऐसा कुछ आपको जो है लुक मतलब यूआई में ऐसा कुछ ऐड किया जाएगा। तो अब देखते हैं कितना जो है रियलिस्टिक वेदर ऐप होने वाला नया अपडेट में। अब देखो, वेदर ऐप अगर आपका डिवाइस में अपडेट नहीं भी आया तो भी आप अपडेट करके यूज़ कर सकते हैं, आपको वो जो चेंजेस और मतलब जो भी आपका फीचर वो मिल जाएगा। तो हाँ, अब वेदर में भी कुछ ऐसा चेंजेस होने वाला है, तो उसके लिए तो वेट करना होगा। और अभी रिसेंटली आपका जो है ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस 15 में नया अपडेट है, और नया अपडेट में आप बोल सकते हैं आपका सिमिलर जो है iOS इंस्पायर्ड आपको देखने मिलता है कंट्रोल सेंटर, और iOS से इंस्पायर्ड आप बोल सकते हैं या आप HyperOS से ही बोल सकते हैं। तो अभी आपको HyperOS और ColorOS और मतलब सभी जो OS है आपको सिमिलर देखने मिल रहा है iOS से। तो अब देखते हैं कि HyperOS में क्या चेंजेस होता है, कुछ नया कंट्रोल सेंटर में होगा चेंजेस कि आपको वही सिमिलर जैसा था वैसे थोड़ा बहुत चेंज करके दे दिया जाएगा, तो वो अब देखना पड़ेगा और वेट करना होगा उसके लिए। और बहुत जन का एक क्वेश्चन है कि बजट डिवाइस में क्या क्या फीचर्स आने वाला, क्या नहीं आएगा, मतलब कि जिस डिवाइस पर खाली HyperOS का अपडेट आएगा और एंड्रॉयड का नया वर्जन का अपडेट नहीं आएगा तो उसमें आपको क्या नया देखने मिलता है, और Redmi डिवाइस में क्या नया आने वाला, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो, मैं जल्दी वीडियो बना इनके अंदर, तो वेट कर जाओ। और वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून्ड रहो, अप्रिशिएट करो ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, मोटिवेट लगे, मोटिवेट फील हो वीडियोस बनाने में। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून्ड रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।